पूरा रो। मम्मी के लिए फीकी चाय रख दिए साइड में, अभी ये मेरा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 2:53। आज मैं बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका रीजन है जो कल का मेरा व्लॉग था वही मैं एडिट कर रहा था, जो कि आपने देख लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। ऑल्सो मुझे कमेंट में बताना आपको मेरा माथेरान का व्यू और टूर का वीडियो कैसे लगा, आगे जाके मेरे को कहाँ पर कौन सा वीडियो कैसा वीडियो बनाना चाहिए ये जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जस्ट अभी फ्रेश होकर आया हूँ एंड डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया, और इसकी मस्ती देखिए, कभी मुझे ठीक से चैन से व्लॉग करने ही नहीं देगा। तो मम्मी यहाँ पर सब्जी छिल रही है, आई थिंक सो ये डिनर के लिए है। लंच तो बन गया है, बस अभी थोड़े देर में खाएंगे। पापा भी कब के उठ गए, पापा ने पता नहीं सुबह से कितनी चाय पी ली। वैसे मैंने भी पी थी चार, कम से कम तीन पिया था शायद से, क्योंकि मैं एडिटिंग में बिजी था, बहुत टाइम लग रहा था, 4 घंटे लग गए मुझे एडिटिंग करते करते। सो आरू भी आ चुकी है और दीदी भी, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। ओए मैक्स, नहीं नहीं नहीं, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। दोनों कितना डर रहे। मैक्स, हाँ हाँ, तू कपड़ा ले, कपड़ा ले, जा अंदर जा, मस्ती मत कर। आरू देख कैसे रो रही है। आप ऐसे क्यों यूज कर रहे हो, मोबाइल फूट जाएगा, चार्जिंग में लगा के ऐसे यूज नहीं करने का। उधर ऊपर चार्जिंग चालू, फिर आपके इसमें करंट चालू है। ओए मैक्स, आप या तो मोबाइल चार्जिंग में रखो या तो यूज करो, पर ऐसा दोनों एक साथ मत करो, नहीं तो फूट जाएगा मोबाइल। मैक्स, तो वो अचानक से होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लगाओगे तो होगा ही, कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो आपके हाथ में फूट जाएगा मोबाइल। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ ऐसा मत यूज करो। अगर आप ना यूज कर रहे हो ना, तो पहले मोबाइल यूज करो, और मतलब अगर बैटरी पूरा डाउन हो गया तो चार्जिंग पे लगा के रखो, ऐसा यूज मत करो। कितना मोबाइल फट गया ऐसा? देखो पापा भी बोल रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में फूटेगा ना तो आपको हाथ में किधर भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह के पास फूटेगा, मुंह पे लगेगा। आप अभी फोन में बात कर रहे थे ना, आप तो कान में भी फूटेगा, तो फिर कान गया आपका। ओ, चार्ज लगा के फोन बात भी नहीं, नहीं पेट्रोल पंप पे आप बात नहीं कर सकते हो फोन पे, उधर पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल पे आग पकड़ेगा, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम से मत यूज करो। और तू क्यों डर रही है, क्या किया मैक्स ने, कुछ नहीं किया। अरु कुछ 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 कर कर। अरु बॉडी दिखा, बॉडी ऐसा नहीं, ऐसा दोनों दोनों, हाँ जोर से टाइट कर, टाइट ऐसा नहीं, टाइट। मुंह ऐसा क्यों कर रहे। तो खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो अभी खाना खाते हैं। तो आज के खाने में है राइस, दाल और पनीर की सब्जी, जो कि आरू की मम्मी ने हमें लाकर दिया है। क्या हुआ आरू, क्या चाहिए? टीवी चाहिए। सो आरू को टीवी देखना है, वो मम्मी को कब से खींच रही है, बोल रही है चलो चलो टीवी लगाओ। आरू कैसे? पूरा रोने जैसा मुंह हो गया उसका। क्या करो, क्या करो? क्या करो? टीवी बेचारी बोल भी नहीं पाती है ठीक से, टीवी भी नहीं बोल रही है, बट हमें पता है उसको टीवी चाहिए ना। चल टीवी लगाता हूँ। अभी देखिए कितना खुश, फुल खुश है ना। अब मम्मी के पास नहीं जा रही, अब देखे नाचते बैठे। वाह आरू नाच, नाच नाचो नाचो। तेरे लिए उधर टीवी लगा है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? टीवी देखो, टीवी देखो, हाँ
नाच लो, टीवी पे जान घुंघरू बजा। ओए उधर नहीं, उधर नहीं, उधर क्या है, क्या है? नो 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 नो, ये नहीं, ये नहीं, चलो चलो नीचे, नहीं नहीं नीचे नीचे, ये सामान नहीं लेने का, चलो नीचे। आरू ये क्या कर रही है, तो क्या करना चाहती है, क्या चालू है, क्या चालू है, क्या करना चाहती है तू? चलो रखो उसको उधर, उधर रखो, अपने जगह पे रखो, चलो चलो चलो। बस हाँ शाबाश, बस चलो आओ इधर बैठो, इधर बैठो। अभी उठने का नहीं, चुपचाप टीवी देखने का, ठीक है? मम्मी के लिए फीकी चाय रख दिए साइड में, अभी हमारा वाला रेडी करते। कहाँ से लाने का? तू कहाँ से लेके आता? उधर से लेके आ। क्या क्या? वाटन और पनीर वहाँ से, और चावल कहीं से भी। चावल कितना बोला? 40 रुपया, 50 रुपया, क्या बोले? सुंदर, सुंदर वाला, सुंदर ना। तो अभी क्या जो हो गया घर पर, एक्चुअली पूजा और सोनाली ने बोला था कि ना सुंदर सा चावल लेकर आना। मुझे लगा चावल का नाम है सुंदर या तो चावल का ब्रांड है सुंदर, तो मैंने बोला दुकान वाले को क्या बोलना है, तो बोलते कुछ नहीं बोलना है, 40 या तो 50 रुपये किलो वाला कोई अच्छा सा चावल लेके आना, जो गोरा वाला होगा, अच्छा होगा टेस्ट में भी और पतला लंबा होगा। तो दोपहर को हम लोग ने थोड़ा बहुत मटर पनीर खाया था, आज डिनर में भी वही बन रहा है। दोपहर को फिर मम्मी पापा और मैंने खाया था, डिनर में हम सब लोग खाएंगे। उनका को आज मन किया कि मटर पनीर खाना है, तो बस वही सामान लेने जा रहा हूँ। तो जो पनीर है ना, हम लोग को सबसे बेस्ट वाला न्यू पनीर के साइड में एक शॉप है, वहाँ का अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश मिलता है और अच्छा मिलता है। वहाँ से मेन पनीर लेना, एक वहाँ पर मटर मिलता है तो मटर भी वहीं से ले लेंगे, नहीं तो फिर मुझे यहाँ वहाँ दूसरे शॉप में भागना पड़ेगा। और वैसे भी राइस लेने तो मुझे जाना ही है दूसरे शॉप में, तो मैंने सोचा कि जहाँ से हम लोग हमारा राशन लेते हैं ना वहीं पे चले जाते हैं। लेट्स गो, सबसे पहले पनीर उठाते हैं और देखते हैं वहाँ पर वटाना है कि नहीं। ओ भाई ये क्या हुआ, साइड दे दो। कोई भी कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देता है, पहले से यहाँ के रोड थोड़े छोटे हैं, आई मीन इतने भी छोटे नहीं है, दोनों गाड़ी जा सकती है, बट यहाँ पर इन लोग ना और ज़्यादा ही भीड़ कर देते हैं। तो ये रहा शॉप, फटाफट ले लेते हैं 120 का पनीर, 400 ग्राम पनीर दे रहा हूँ। मटर है क्या आपके पास? 50 का मटर दे दो ना, 30 का पैकेट और 120 का दो दे दो, 30-30 वाला। अच्छा अच्छा, सॉरी मटर का थैली मिलेगा क्या अंकल? थैंक यू, थैंक यू। वाह सही है, दोनों चीज़ यहीं पे मिल गया, अब सिर्फ राइस लेना है। थैली भी क्या मस्त बना के दिया है, वाह एक नंबर, थैंक यू अंकल, थैंक यू। लाइट कैसा लगा मेरा आपको गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत सही लगा, बहुत सही। वैसे तो मैंने एक ही राइड किया है लाइट के साथ, वो भी पेन तक का, आगे का बड़ा राइड भी करने का सोच रहा हूँ, देखते कब होता है। ये रहा हमारा ग्रॉसरी शॉप। अंकल 40 रुपये किलो वाला अच्छा राइस दो ना, पतला चाहिए, लंबा और पतला, पीला वाला मत देना, थोड़ा अच्छा देना। तो ये चलेगा क्या? कितने का ये? 42 हाँ चलेगा, दे दो। कितना दो? 5 एक ही किलो, एक किलो, एक किलो दे। शेफ हेलो, सही है राइस? ओके, शेफ ने डन कर दिया। और ये चलेगा ना? हाँ चलेगा।